एक्सोर जिसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव ओर गेट, एक्सक्लूसिव ओर जिसे एक्सोर बोला जाता है, इसको हम डिनोट करते हैं कि जो आउटपुट होगी वो इज इक्वल टू होगी ए एक्सोर बी। ये जो साइन होगा ये एक्सोर का साइन है, ये एक्सोर का सिंबल होगा। ये जो बीच में लाइन है ये शो करती है ओर गेट के साथ, जब ये लाइन लग जाती है तो एक्सोर को शो करती है। टू इनपुट्स होगी ए और बी, तो जेड आउटपुट आएगी ए एक्सोर बी, ये साइन एक्सोर को शो करेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए, यानी कि ये जो एक्सोर का साइन है इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए से। अब हम देखेंगे इसका जो लॉजिक डायग्राम है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, बीच में क्या है एंड गेट है, देखिए एंड गेट जिसकी टू इनपुट्स है ए और बी, और इसकी पहली इनपुट है ए कॉम्प्लीमेंट, तो नॉट गेट लगेगा, नॉट गेट जो कि ए को ए कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यहाँ पे आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी है बी, तो आउटपुट क्या आएगी ए कॉम्प्लीमेंट बी। एक और एंड गेट जिसकी इनपुट है बी कॉम्प्लीमेंट ए, ए ऐसे ही जाएगी फर्स्ट इनपुट, दूसरी जाएगी बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे बी के साथ लगेगा नॉट गेट, तो यहाँ आउटपुट आएगी बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी बी कॉम्प्लीमेंट ए। इन दोनों को पास करेंगे और गेट से, ये देखिए और का साइन है प्लस, तो दोनों को पास करेंगे और गेट से, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, ये शो करेगा हमारा एक्सक्लूसिव और। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, अगर इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 0 रहेगी, इनपुट 0 1 है तो आउटपुट 1 रहेगी, इनपुट 1 0 है तो आउटपुट 1 रहेगी, 1 1 है तो 0 रहेगी। इसमें देखिए ये ऑड बिट डिटेक्टर है, यानी कि एक इनपुट 1 होनी चाहिए तभी आउटपुट 1 होगी, अगर दोनों 0 है तो 0 रहेगी, दोनों 1 है तो 0 रहेगी, यानी अगर एक इनपुट 1 होगी और दूसरी 0 होगी तभी आउटपुट 1 रहेगी, ये ऑड बिट डिटेक्टर होगा, इसे डिटेक्टर भी बोलते हैं। अगर हम इसकी एक बिट को सॉल्व करते हैं, ए 0 है बी 1 है, ए 0 है बी 1 है, यहां से कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट लगा हुआ है तो यहां हो जाएगा 1, तो इस एंड गेट की इनपुट क्या हुई 1 1 1 1 क्या आएगा 1, और इस एंड गेट के लिए बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट ए, ए को ऐसे ही जाएंगे ए 0 जाएगा और बी बी 1 था तो ये यहाँ हो जाएगा 0, यानी 0 0 0 0, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी 0, यहाँ से गया 0 यहाँ से गया 1 और गेट में से, तो यहाँ आएगा 1 0 1 1, तो 0 1 आउटपुट क्या आएगी 1, ये शो करता है हमारा एक्सोर गेट। इस तरह ही आप सारे सॉल्व कर सकते हैं कि आपको पता लग जाएगा कि ये ऑड बिट डिटेक्टर है। अगर इसका टाइमिंग डायग्राम देखें तो ये हमारी ए की इनपुट्स है और ये शो करेगी हमारी बी की इनपुट्स, तो हमारी आउटपुट क्या आएगी देखिए, ये हमारी 1 0 1 1 0 1 और ये क्या है 0 1 1 0 1 0, ये पल्सेस हैं, तो आउटपुट क्या आएगी जेड, अगर 0 A 1 है B 0 है तो आउटपुट क्या आएगी 1, एक बिट 1 होनी चाहिए और दूसरी 0 होनी चाहिए तो आउटपुट 1, A 0 है तो B 1 है, एक बिट 1 है एक 0 है तो 1, दोनों 1 1 है A 1 B 1 तो आउटपुट क्या आएगी 0, एक A 1 है B 0 है तो आउटपुट क्या आएगी 1, एक 1 है और एक 0 है, ए 0 है बी 1 है तो आउटपुट क्या आएगी 1, एक बिट 1 होनी चाहिए और एक 0 होनी चाहिए, ए 1 है और बी 0 है तो आउटपुट क्या होगी हमारी 1, एक बिट 1 है, ये हमारी आ गई आउटपुट, ये हमारा टाइमिंग डायग्राम शो करता है एक्सोर गेट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।
थैंक यू।